अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी मैंने मार्केट से ये ऑनलाइन अमेज़ोन से रोड NT2 का माइक परचेज़ किया है, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ और उसकी थोड़ी बहुत ही डिटेल भी आपको बताऊँगा। तो ये रोड ये जो माइक है ना, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का है। आप इसको होम स्टूडियो में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे प्रोफेशनल स्टूडियो में भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको शेयर करता हूँ, इसके बाद मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी भी आपको सुनाऊँगा। देखते हैं इससे हमें क्या क्या मिलता है। ये उनका जो उन्होंने थैली लगाई हुई थी सेफ्टी के लिए, इसको हम सेंड पे कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये टेप उतारते हैं जो उन्होंने लगाई हुई है, उसके बाद ये अलग से कर दिया मैंने, और ये है हमारा रोड NT2। पैकिंग तो बहुत आलिया क्वालिटी की हुई है, बुक्स से नज़र आ रहा है। क्या ही बात है जी, वाह जी वाह। ये है जी इसका मेन जो चीज़ होती है, इसको शॉक माउंट भी कहते हैं। हाँ ये वही है, ये हमारा शॉक माउंट पॉप फिल्टर, सॉरी ये पॉप फिल्टर, ये शॉक माउंट है जो जिसके अंदर हम ये मैग लगेगा। वैसे ये भी उन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बनाया है, ये इसका ये जो फिल्टर है डबल लेयर लगाई हुई है इसके ऊपर उन्होंने। तो ये हम दिखाते हैं शॉक माउंट। इसका काफ़ी वेट है यार इसका, ये तो हाँ काफ़ी हैवी है। ये मेटल का तैयार किया हुआ उन्होंने, ये डोरी लगाई हुई है जिससे ये वाइब्रेट थोड़ा सा होता है जब जोर लगता है वोकल रिकॉर्ड करने में, तो उसके लिए ये उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये था हमारी, उसके बाद हम देखते हैं ये हमें क्या मिलता है इसके। ये मुझे लगता है कि इसमें केबल हो गया, हाँ रोड केबल 6 मीटर की इसमें केबल मिलेगी आपको। तो कोशिश ये करें कि जो उनकी रोड की केबल है यही यूज़ करें, आप बाज़ार से जो लोकल या हल्की केबल होती है ना वो यूज़ ना करें, उसमें कम्प्रोमाइज़ ना करें, थोड़े से पैसे खर्च कर लें। केबल अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी क्वालिटी में फ़र्क ना आए। ये हमें रोड की XLR केबल मिलती है जो 6 मीटर की है। तो ये मेल या फीमेल जैक जो माइक में लगेगा, ये हमें साउंड कार्ड में लगाएंगे। तो इसकी तो फिलहाल खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता केबल एक आम चीज़ है। ये हमें इसमें ये मैनुअल जो इसमें गाइड बुक है जो उन्होंने कंपनी में दी हुई है, जैसे ये है मेड इन ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट है ये। तो ये हमारा आता है माइक, काफ़ी वेट है इसका, इसका वेट आई थिंक 800 ग्राम तक या 1 kg से कम है, 800 या 900 ग्राम तक वेट लगता है मुझे, एक आइडिया है। ये है हमारा रोड NT2, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत पतली माइक है और बहुत बड़ा साइज बनाया उन्होंने, क्या ही बात है जी। और पकड़ने में फील हो रहा है कि बाकी कोई ये चीज़ है, बहुत वेट है इसका। ये जो स्विच दिए हुए हैं ये दोनों तरफ से काम करता है, ये कोरस के लिए बेहतरीन है। अगर एक वक्त में कोरस करना हो तो सामने से भी आप वोकल रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों तरफ से वोकल रिकॉर्ड करता है। ये बटन दिए हुए हैं, इसको फिलहाल मैंने अभी यूज़ नहीं किया, बाद में यूज़ करके मैं इसके बारे में मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये इसकी सिलिका जेल जो इसकी हिफाजती भी होता है, बहाल साइज़ भी बहुत अच्छा है और देखने में नज़र आ रहा है कि बाकी ये कुछ चीज़ है। तो लिहाजा इसकी मैं वीडियो कह रहा हूँ ऑडियो इसकी चेक करके ना साउंड कार्ड के साथ लगा के उसको मज़ीद मैं आपको सुनाऊँगा कि ये किस तरह से इसकी आउटपुट आती है। तो बड़ा इसके सबसे ज़्यादा यूज़र है, ये रिलीज़ हुआ था सन 2001 में, तो अभी तक ये 21-22 साल हो गए इसको मार्केट में आए हुए, लेकिन अभी तक इसकी मार्केट वैल्यू है, अभी तक लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत फिल्म डब्बे में ये लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको नात में यूज़ कर रहे हैं, सिंगिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पर इसको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर इसकी जो रेटिंग बहुत ऊपर जा रही है रोड की। तो चलो मैं इसके बाद इसकी ऑडियो क्वालिटी की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से आपको मिल सके।